दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर शहनाज, जो कि घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर मानी जा रही हैं, अब उनको लेकर लोगों में धारणाएं बदलती नज़र आ रही हैं। जहां उनकी ड्यूल पर्सनैलिटी नज़र आई, जहां वो सिद्धार्थ शुक्ला को एक तरफ अपना दोस्त कहती हैं, तो वहीं वो सिद्धार्थ शुक्ला को इस तरीके से ट्रीट करती नज़र आ रही हैं कि वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये उनका दोगलापन नहीं बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से घर के अंदर हिमांशी खुराना यानी कि उनकी राइवल का जो घर के अंदर एंट्री हुई, उसके बाद से ही वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि वो ये चाहती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो हिमांशी से बात ना करे और ना ही उनसे दोस्ती करे। क्योंकि घर के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस पहले भी की है, जब भी रश्मि से बात करती हुई नज़र आती है शहनाज, तब सिद्धार्थ शुक्ला को प्रॉब्लम होती है। इसी बात का वास्ता देकर उन्होंने आरती से ये बात कही कि तुझे पता है ना, जब भी मैं रश्मि से बात करती हूँ तो सिद्धार्थ को प्रॉब्लम होती है। अब वही प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। इस बीच कन्फेशन रूम में वो जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है बिग बॉस को बताती हैं। बिग बॉस कन्फेशन रूम में उनकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि सिद्धार्थ आज भी उनके साथ वैसे ही खड़ा है जैसे शुरुआत में खड़ा था। बस यहाँ पर जो चीज़ बदली है वो है नज़रिया। अब नज़रिया लोगों का बदलता रहता है। अब बात करें घर के अंदर शहनाज की, तो शहनाज जो है वो ट्राई करने की कोशिश करती है, किसकी, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला को। वो आरती के साथ बैठी भी होती हैं और आरती उन्हें कहती है कि जा उसे गाल पे पप्पी कर दे और तुम लोगों के बीच में ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन होता बहुत अलग सा कुछ है, जहाँ शहनाज जाती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के पास चुपके चुपके से और सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ पर हाथ रखती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला डर जाते हैं। जैसे वो डरते हैं, अचानक से वो उठते हैं और चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है। जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला को वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उन्हें सोने के लिए वापस कहती है, यहाँ पर हो उल्टा जाता है। वो करने कुछ जाती हैं, हो कुछ और जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती आगे क्या रंग लेती है, क्या मोड़ लेती है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये वापस दोस्त बन पाएंगे। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।